बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भले माश की दाल से बनाएंगे। माश की दाल मैंने 5 घंटे पहले भगो दी थी। थोड़े से पानी के साथ अब हम इसे पीस लेंगे। दाल ऐड करेंगे, अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन। इन चीज़ों के साथ हम दाल को पीस लेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे हम। चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, चटनी बना के और दाल पीस के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नमक और दही के साथ ये चटनी बनाएंगे हम। दही के साथ चटनी बनाएं, देखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट में भी। थोड़ा सा पानी भी लेंगे चटनी के लिए। अब चटनी बना के और दाल पीस के दिखाती हूँ आपको। चटनी भी बना ली और दाल भी पीस ली हमने। चटनी तो रेडी है लेकिन दाल को हमें अब फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, तकरीबन 8 मिनट तक, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। फिर जो बड़े हैं हमारे वो अच्छे बनेंगे। 8 मिनट हो गए, 8 मिनट तक मैंने फेंटा है। आप चेक करेंगे, पानी में थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर तो ये बैठ गया तो और फेंटेंगे, अगर नहीं तो फिर ये रेडी है। आप देख सकते हैं ये ऊपर ही है, बैठा नहीं, बैटर हमारा रेडी है और है भी फ्लफ़ी। देखने में भी ये फ्लफ़ी नज़र आ रहा है आपको। भले फ्राई कर लेंगे। कुछ मैंने कर लिए, कुछ आपके सामने करूँगी। मैंने भले हाथ से तोड़े हैं, आप लोग स्पून से भी बना सकते हैं। ईद पे बनाएं, बहुत ही अच्छे और मज़े के लगते हैं, स्पाइसी। गोल्डन फ्राई करेंगे हम और एक दफ़ा फिर करेंगे सबको कलर देने के लिए। हम इन्हें पानी में डिप करेंगे 5 से 6 मिनट तक, तो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें कलर भी देंगे। निकाल लेंगे और फिर सबको एक साथ 2 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे। अब हम दोबारा से करेंगे, 2 मिनट करेंगे। कलर देंगे हम इन्हें। थोड़ा सा और कलर देते हैं फिर निकालते हैं। भले हो गए फ्राई। पानी में डिप किए हैं, नॉर्मल पानी है, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। 6 मिनट तक डिप किए, अब निकाल के दही फेर लिए मैंने।
मीठे दही बड़े भी दिखाऊंगी मैं आपको, इसलिए मैंने दही में कुछ भी ऐड नहीं किया और दही भी जो है मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखा। बल्ले जो हैं वो दही पियेंगे, ठीक होगा तो फिर वो जज्ब नहीं कर सकेंगे चटनी। दही दही अच्छी खासी डालनी है हमें, चाट मसाला। और प्याज अच्छा, मीठे वाले बनाने के लिए दही में चीनी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छा बल्ले जो है वो हमने हल्के हाथ से दबाना है, हल्के हाथ से दबा के पानी निकालें। मीठी दही ऐड करेंगे, चाट मसाला। मीठे दही भल्ले भी रेडी हैं हमारे, ईद पे बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।